22 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन होगा जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास होना है। श्री राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर देश भर में तैयारियां की जा रही हैं। इधर भगवान श्री राम की एक ऐसी भक्त मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल निकली हैं, जो पूरी तरह श्री राम भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही हैं। वहीं लोग अब इस श्री राम भक्त मुस्लिम युवती शबनम को कलयुग की शबरी भी बता रहे हैं। शबनम जहाँ से गुजर रही हैं, वहीं उनका जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है। मुंबई की रहने वाली शबनम अयोध्या के लिए पैदल ही निकल पड़ी हैं। वो गत दिवस मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की जावर तहसील से गुजरी, जहाँ शबनम का जोरदार स्वागत किया गया। शबनम इंदौर भोपाल मुख्य मार्ग के जावर जोड़ पहुंची, जहाँ उनका तेज सिंह कप्तान, जावर पार्षद रमेश सेठ, राजा ठाकुर सहित सैकड़ों लोगों ने स्वागत सत्कार किया। शबनम ने बताया कि वो मुंबई से पैदल अयोध्या जा रही हैं, जहाँ श्री राम जी के दर्शन करेंगी। उन्हें 15 दिन यात्रा करते हुए हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो खुश हैं कि उन्हें आज देश भर में कलयुग की शबरी कहा जा रहा है। शबनम शेख ने बताया कि मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल ही निकल पड़ी हैं, जहाँ अलग अलग स्थान पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। मैडम, आप कहाँ से आए और कहाँ जाओगे और क्या संकल्प लेकर आप निकले हो? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख, मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए, और आज मुझे टोटल हो चुके 15 दिन, और मेरा यही उद्देश्य है राम मंदिर जाने का, कि मुझे राम जी के दर्शन करने जाना है। आप कितने दिन से निकले हो? अभी 15 दिन हो गया आज मुझे। लगभग कितना टाइम लगेगा आपको? अभी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे पहुंचना है, हमारे पास कोई डेट एस्टिमेट नहीं है, बस हमें पहुंचना है, हम कभी भी पहुंचे। बहुत लोगों को लग रहा है कि हम 22 जनवरी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हम 22 के बाद भी पहुंचेंगे, कभी भी पहुंचेंगे, हम दर्शन करके जाएंगे। जैसे कि आप पैदल यात्रा कर रहे हो, कि आपके साथ में क्या शासन प्रशासन का क्या योगदान रहा? बहुत योगदान है मुझे, मैं महाराष्ट्र से आ रही हूँ, तो महाराष्ट्र में मुझे पुलिस सिक्योरिटी मिली, फिर MP में आई हूँ तो MP में भी सिक्योरिटी मिली, और अयोध्या जाऊँगी तो UP में एंट्री करूँगी तो वहाँ भी मिलेगी मुझे। अभी आप जावर तहसील में आपकी एंट्री हो चुकी है, जावर पुलिस थाना से आपको क्या सुरक्षा मिली? बहुत बहुत अच्छा है, मतलब पुलिस वाले भी बहुत अच्छे, एक सेकंड के लिए भी मुझे अकेले नहीं छोड़ते, और कोई मेरे साथ चलता है तो वो उन्हें दूर करता है, मतलब बहुत अच्छी सिक्योरिटी दी है। जो भाई साहब है वो बहुत अच्छे हैं। क्या नाम? जय जय सियाराम। नाम क्या बताया? मेरा नाम